नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है स्वस्थ मंथन में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी एक औषधि के बारे में हम बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे दूधी के बारे में। उसके अनेकों लाभ हैं। दूधी एक तरह की घास होती है, एक तरह का खरपतवार होता है जो आपको मैदानी इलाकों में, सड़क के किनारे और कहीं भी बाग बगीचों में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको उसके सारे गुण धर्म बता देता हूं, उसके सारे लाभ बता देता हूं। दूधी को संस्कृत में नागार्जुनी कहते हैं, हिंदी में दुग्धी, दूधी घास, दुग्धिका अन्य नामों से जाना जाता है। ये ज्यादातर आपको भारतवर्ष में सभी जगह उपलब्ध होगी। इस तरह होती है ये दूधी, तो इसको आप अच्छी तरह पहचान लीजिए। देखिए इस तरह होती है ये, इसके पत्ते अंडाकार होते हैं और पत्तियों के बीच में उसका पुष्प, वो ये गांठे होती हैं। तो मित्रों, दूधी एक प्रकार की घास ही है ये। ये बगीचों में, आसपास मैदानी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन इसको हम खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि इसके गुणों की जानकारी नहीं होती। दूधी पूरे भारत देश के सभी जगह पाई जाती है। दूधी का पौधा दो प्रकार का होता है, एक तो छोटी दूधी, ये इस प्रकार है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसमें, और एक होती है ये बड़ी दूधी, जिसके पत्ते हल्के लाल और हरे होते हैं। इसके फूल भी लाल रंग के होते हैं जब ये पक जाता है। दूसरी बड़े पत्तों वाली दूधी होती है, जिसे पत्ते हरे रंग के तथा हल्के लाल रंग की लालिमा लिए होते हैं। लगभग सभी के गुण समान होते हैं, लेकिन हम ये बड़ी दूधी का ही आज उपयोग करेंगे। इनकी टहनियों को तोड़ने से इसमें दूध निकलता है, यह इसकी पहचान है। इसको दूधी घास, मिल्क एडस, दुग्धिका, नागार्जुनी आदि नामों से जाना जाता है। मित्रों, अगर किसी को सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो दूधी की जड़ों के रस को पानी से लिया जाए तो शिकायत दूर हो जाती है। करीब 20 ml तक आप ले सकते हैं। दूधी बाझपन, नपुंसकता और शीघ्र पतन जैसी बीमारियों को भी दूर करती है। दूधी की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसे पीसकर पानी में मिलाकर सुबह शाम पीने से अतिसार की बीमारी दूर हो जाती है। दूधी का सेवन करने से आंतें भी स्वस्थ रहती हैं। दूधी का सेवन करने से पेचिश, दस्त हों, पेट में अगर बच्चों के कीड़े हों तो उसकी समस्या भी दूर हो जाती है। पेट के कीड़े वगैरह जो हों, बैक्टीरिया वगैरह, वो मर जाते हैं। अगर किसी को नाक से खून निकलने की बीमारी हो, तो दूधी के चूर्ण में मिश्री मिलाकर सेवन करें, इससे नकसीर की शिकायत दूर होगी। आप ऐसा कीजिए कि अगर ये आपको नहीं मिले, तो पंसारी की दुकान पर या जड़ी बूटी की दुकान पर आपको ये पंचांग, इसका पूछेंगे आप कि दूधी का पंचांग दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। दूधी का पाउडर का सेवन भी आप कर सकते हैं। दूधी के पाउडर सेवन करने से पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते ये हैं। दूधी इसमें ये लाल नीचे रहते हैं। दूधी के पौधे से निकलने वाले दूध को चेहरे पर और ये दूधी के पौधे से निकलने वाले दूध को चेहरे पर लगाने से कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। दूधी का रस, कनेर के पत्तों का रस मिलाकर लगाने से बालों को झड़ना बंद हो जाता है तथा बालों के सफेद होने और गंजेपन की समस्या भी दूर हो जाती है। मासिक धर्म के समय अधिक रक्तस्राव होने पर दूधी का सेवन करने से यह समस्या दूर हो जाती है। अगर किसी महिला के स्तनों में दूध ना निकले, अगर दूध ना आ रहा हो, तो छोटे बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही हो, तो दूधी के दूध का 1 ग्राम की मात्रा, सिर्फ 1 ग्राम की मात्रा, 1 महीने तक प्रतिदिन सेवन करें तो दूध निकलने लगता है। दमे के रोगियों के लिए भी दूधी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका काढ़ा बनाकर पीने से दमे की शिकायत दूर होती है। खुजली होने पर दूधी का लेप मक्खन मिलाकर लगाने से आराम मिलता है।
अगर दोस्तों किसी को अगर कांटा चुभ गया हो तो उसके ऊपर लेप लगाएं, वो अपने आप बाहर आ जाता है कांटा। तो आपने देखा कि जिस लोग केवल एक साधारण सी घास समझते हैं, आखिर वह कितने सारे रोगों की दवाई है। दूध ही एक प्रकार की औषधि है जो आसानी से मिल जाती है और इसके लिए किसी प्रकार की कीमत भी नहीं देनी पड़ती। यह प्रकृति का अनमोल खजाना है। दूधी के वैसे तो बहुत लाभ होते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट अटैक वाले रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और जो महिला गर्भवती हैं उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसकी जो मात्रा है वो आप किसी भी रोग में जो मैंने बताया उसमें 10 ml से लगा के 30 ml तक ले सकते हैं। ये सभी के बच्चों के और बड़ों के शरीर के अनुपात के अनुसार होती है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि दूधी के औषधि गुण और उसके क्या क्या उपयोग हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।